नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ओम ज्वेलर्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर चैन की डिज़ाइन, जो कि बहुत ही लाइट वेट में है और बहुत ही प्रोफेशनल डिज़ाइन है ये। दोस्तों इसका लुक बहुत ही प्यारा है और इसे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों ये फुल साइज की चैन है और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि इसे जेंट्स या लेडीज़ कोई भी वियर कर सकता है, गर्ल्स या बॉयज़ भी इसको वियर कर सकते हैं। इसका लुक बहुत ही प्यारा है और अगर इसे गौर से देखें तो इसमें जो बीच बीच में राउंड शेप किया गया है, राउंड शेप की जो इसमें डिज़ाइन दी गई बहुत ही प्यारी लग रही है। इन्हें आप चाहे तो डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी फंक्शन पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रोफेशनल डिज़ाइन है दोस्तों तो आप इसको घर या ऑफिस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी डिज़ाइन लगती है पहनने के बाद ये। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फुल डिटेल्स की। तो उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आने वाली कोई भी डिज़ाइन को आप मिस ना कर सकें। आपको हमारी हर वीडियो में बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों लुक तो आपने इसका देख ही लिया, बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है इसकी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके वजन और कीमत की। तो दोस्तों ये लाइट वेट चैन है और वजन की अगर इसके बात करें तो इस डिज़ाइन का वजन है 5 ग्राम 350 मिली। और दोस्तों वहीं इसके प्राइस की अगर बात करें तो इसका प्राइस है 28,400 रुपये मात्र। दोस्तों ये जो प्राइस है जिस दिन ये वीडियो बन रही है उस दिन के भाव अनुसार है। अगर आप भविष्य में ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं तो हो सकता है ये रेट आपको बदले हुए मिले, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि सोने चांदी के भाव हमेशा एक से नहीं रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। दोस्तों ये डिज़ाइन आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ, तब तक सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए।